दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 14 क्षेत्रमिति भाग 1। और अध्याय 14 के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 14.4। इस प्रश्नावली में आपका पहला सवाल दिया हुआ है, एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है, पट्टी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक चित्र है, इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये बताया गया आपको 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आप देख रहे हैं ये है 10 सेंटीमीटर। ये चित्र की चौड़ाई ना, ये बाहर पट्टी लगी हुई, इसको हम बाद में बात करेंगे। ये जो चित्र दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये आयताकार है, चित्र आयताकार है, इसलिए यहाँ इधर यदि 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा, ऊपर 25 सेंटीमीटर तो नीचे भी कितना होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर लंबाई होगा। ठीक है, अब देखिए आपको कहा गया है कि इस आयताकार चित्र के बाहर यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। ये पट्टी जो बनी है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पट्टी, ये पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की है, यानी कि सभी तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई इस पट्टी की है। अब आपको इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर ये अंदर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, इधर कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से ऐसा हम लंबा ले लें, इधर लंबाई ले लें यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये 2 सेंटीमीटर है, और ऊपर के हिस्से में भी 2 सेंटीमीटर है। कुल मिला के देखा जाए बच्चों तो ये बाहर का जो चौड़ाई निकल रहा है वो इधर 2 और इधर 2, 10 बीच में है, तो 2, 10 और 2, 12 और 2, 14 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। बाहर की पट्टी की जो चौड़ाई है वो 14 सेंटीमीटर बन गया। जब इस तरफ 14 सेंटीमीटर बन गया तो इस तरफ भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लंबाई के बारे में बात करते हैं, ये चित्र की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है आपको दिया गया है, इसके बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का पट्टी बना हुआ है बोले, तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 25 में इधर भी 2 जुड़ेगा और इधर भी 2 जुड़ेगा, तो ऊपर का जो लंबाई आपको दिख रहा है यहाँ पर बाहरी क्षेत्र का जो लंबाई है वो हो जाएगा 25 धन 2 धन 2 बराबर 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ गया कि जो चित्र के बाहर का जो लंबाई है वो है 29 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पर 2 आयत दिखाई दे रहा है, एक अंदर में दिख रहा है एक आयत जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, एक बाहरी आयत दिखाई दे रहा है आपको जिसकी लंबाई 29 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम दोनों आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालना आपको आता है, हल हम लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो बड़े आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है आपको, देखिए वहां पर 29 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर, दोनों गुना कर देंगे आपस में, 14 निया 126 का 6 हासिल आ गया 12, 14 दुनिया 28 और 12 हो गया 40। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 406 वर्ग सेंटीमीटर, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल निकल गया 406 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम छोटे आयत का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अब पुनः छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल भी होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। आप देख रहे हैं क्या है, चलो मान रख देते हैं, छोटे आयत का लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 दहम 250
वर्ग सेंटीमीटर। अब हम दो काम यहां पर कर चुके हैं, एक बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम, जो आया है 406 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरा काम हमने किया है छोटे आयत का क्षेत्रफल, यानी जो अंदर में जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इस आयत का क्षेत्रफल भी हम निकाल चुके हैं, और यह है 250 वर्ग सेंटीमीटर। अब करना क्या है आपको, ये जो पट्टी दिख रही है, ये पट्टी यहाँ से ऐसा दिख रहा है, देखिए ये पट्टी दिख रहा है आपको, सिर्फ इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चित्र की जो लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, इसका जो क्षेत्रफल हम निकालें उसको हटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो बचेगा यही पूरा खाली, ये पट्टी बस बचेगा, उसी का क्षेत्रफल हमको बताना है। इसके लिए क्या करना होगा हमको, ये जो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं 406, उसमें छोटे आयत के क्षेत्रफल 250 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें घटाएंगे छोटे आयत के क्षेत्रफल को, छोटे आयत का क्षेत्रफल, आप पूरा लिखेंगे क्षेत्रफल को, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना आया है याद कीजिए, ये आया 406 वर्ग सेंटीमीटर, छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना आया है 250 वर्ग सेंटीमीटर। आइए घटाते हैं इसको हम, 6 में शून्य घटाइए कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पर शून्य में 5 नहीं घटेगा उधार लाएंगे, 5 में 5 गया 5, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 2 घटा देंगे 1, इस प्रकार से 156 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर है। हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे में, अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल होगा 156 वर्ग सेंटीमीटर, ये पूरा आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.4 के बाकी सवालों को भी बनाने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान आपको रखना है सूत्र आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, या आयताकार सड़क का क्षेत्रफल, या आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, जो भी निकालना रहेगा आपको, रास्ते का क्षेत्रफल, उसमें बड़े आयत का क्षेत्रफल को छोटे आयत के क्षेत्रफल में घटाना रहेगा, और उसके बाद आपको उत्तर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना पहले से जानते हैं, उसी का उपयोग करना है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुना 25 मीटर माप का है, यानी कि लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको चित्र से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक आयताकार खेल का मैदान है, देखिए इसका ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, चौड़ाई कितना दिया है आपको 25 मीटर, ये है आपको 25 मीटर चौड़ा है और लंबाई दिया है 35 मीटर चौड़ा लंबा है, यहाँ पर ये 25 है होगा उधर के समांतर और ये 35 मीटर। प्रश्न में आपको कहा गया है लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा सड़क बना हुआ है, यानी कि ये लंबाई है ऐसा, तो इसी के समांतर यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा सड़क बनाइए जी, 3 मीटर चौड़ा सड़क हम बना देते हैं, ये एक सड़क बना हुआ बीचों बीच, इस खेल के मैदान के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा है, लंबाई कितनी होगी इसकी, जितनी ये है यानी कि 35, लंबाई इसकी 35 है, या चौड़ाई कितनी यहाँ पर 3, यानी कि लंबाई 35 चौड़ाई 3, यदि हम सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 35 गुना 3 करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पर। और दूसरा आपको बोला गया है चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के भी समांतर ये सड़क ऊपर से नीचे बना हुआ है, उसको बना लेते हैं, ये चौड़ाई के समांतर सड़क बना हुआ है ऐसा, इस प्रकार से ये है 2 मीटर, कितना है ये 2 मीटर चौड़ा, तो ये 2 मीटर है चौड़ाई जो है वो, और लेकिन लंबाई कितनी होगी इसकी, जितनी यहाँ पर 25 लिखा हुआ उतनी, तो ये हो जाएगा 25 मीटर, और ये चौड़ाई कितना है 2 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों यहाँ पर, कि जब हम लंबाई के समांतर सड़क बनाएं, तो ये सड़क यहाँ पर बन गया इधर ऐसे, लंबाई के समांतर बन गया इधर ऐसा, ठीक है। अब फिर हम चौड़ाई के समांतर भी सड़क बना रहे हैं, तो इस चौड़ाई के समांतर ऐसे बनेगा इधर, इस प्रकार से सड़क को बनाते समय आप ध्यान दिए होंगे
कि ये जो बीच का भाग है ये दो बार बन रहा है, एक बार इधर से बना और एक बार इधर से बना, और ये बीच के जो भाग का जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, इसको हम अच्छे से डार्क कर देते ताकि समझ में आए आपको, ये जो हिस्सा है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी बता सकते हैं आप? ये जो बीच का हिस्सा की लंबाई चौड़ाई क्या होगा? देखा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तीन है ना, और ये कितना है? दो। तो ये हो जाएगा तीन और दो, तो बीच का हिस्सा का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो तीन गुना दो यानी कि 6 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब जब हम पूरे सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो लंबाई के समांतर है उसका भी क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर उसका क्षेत्रफल, तब क्या होगा देखते हैं। चूंकि हम इसका क्षेत्रफल एक बार निकाल चुके हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर जो बीच का भाग का जो हिस्सा है 6 वर्ग मीटर उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो चलिए उसे करेंगे, कैसे करेंगे? लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर, लंबाई कितना है? लंबाई के समांतर में लंबाई 35 और चौड़ाई कितना है सड़क का? 35 को 3 से गुना करेंगे जो हो जाएगा 105 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा आपका प्रश्न मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर उत्तर भी मीटर में आएगा। तो ये हो गया लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो सड़क बना हुआ सीधा उसका क्षेत्रफल हम अभी निकाले हैं 105 वर्ग मीटर। अब चौड़ाई के समांतर जो सड़क बनी हुई है ये इधर ऐसा ऊपर से नीचे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई कितना है इसका? इसके लिए लंबाई, इस सड़क के लिए लंबाई हो जाएगा 25 मीटर, तो हम लिखेंगे 25। और चौड़ाई कितना है इसके सड़क के लिए? 2 मीटर पहले दिए हुए, देखिए यहाँ पर आपको कहीं पर लिखे 2 मीटर ये है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये बराबर होगा 25 × 50 वर्ग मीटर। दोनों सड़क का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या बोले थे आपको कि इसमें भी 50 वर्ग मीटर में ये वाला जो सड़क बना है उसमें ये बीच वाले का क्षेत्रफल आ रहा है, जुड़ रहा है, इसमें भी ये बीच वाले का क्षेत्रफल जुड़ रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो एक ही बार होगा, हम दो बार काउंट किए हैं इसलिए एक बार हम क्षेत्रफल को घटाएंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं जो हम वहाँ पर डार्क किए, वहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, कितना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई कितना है इसका? 3 और चौड़ाई कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 वर्ग मीटर। अब हम सबका क्षेत्रफल निकाल लिए, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लिए, ये आया 105 वर्ग मीटर, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, ये आया 50 वर्ग मीटर, और छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकाले 3 × 2 बराबर 6 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों लंबाई के समांतर चौड़ाई के समांतर वाले जोड़ेंगे और उसके बाद फिर 6 को घटा लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, सड़क का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 105 × 50 × 6। 105 ये लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल है, 50 चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए जोड़ लेते हैं पहले इसको हम, 105 और 50 कितना होगा? 155 × 6, और ये हो जाएगा 149 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हमारा उत्तर है 149 वर्ग मीटर। आयताकार खेल के मैदान में जो बीचों बीच सड़क बना हुआ है लंबाई के समांतर चौड़ाई के समांतर उसका क्षेत्रफल है। ऐसे ही आप बाकी सवालों को बनाएंगे, मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।